अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप एक घर बैठे ही बहुत अच्छा HD माइक बना सकते हैं, जिसमें आपकी आवाज़ बहुत ही साफ और बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट, जो चीज़ें चाहिए, उनकी कीमत 20 से 30 रुपये भी नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तार चाहिए, वायर, ये आप देख सकते हैं, ये वायर चाहिए। उसके बाद आपको एक हैंड फ्री चाहिए। आप हमारे आपके सामने पड़ा है, हमारा एक हैंड फ्री है, पुराना हैंड फ्री। अगर आपका कोई टूटा हुआ पड़ा हो तो उसकी आपने डिवाइस होता है यहाँ पर एक, आप देख सेंटर में उसके देख सकते हैं, ये डिवाइस होता है। ये डिवाइस आपको खोलना है, जैसा कि हमने खोल के रखा हुआ है, ये देखें। और इसमें से आपको दो डिवाइस नजर आएंगे, इसमें से आपने जो आपको अभी डिवाइस निकाल के दिखा रहे हैं, ये आपने निकाल लेना है इसमें से, ये चीज़ आपने इसमें से निकाल लेनी है। तो इसकी आप देख सकते हैं दो तार हैं, पीछे हमने थोड़ी तार लंबी की हुई है, आपके पास थोड़ी छोटी तार आएगी इसमें। और उसके बाद आपको चाहिए एक जैक, जैसा कि आप देख सकते हैं एक जैक चाहिए आपको। ये जैक आप खोलेंगे तो इसमें आपको तीन पोर्शन नजर आएंगे, इसमें आपको तीन पोर्शन नजर आएंगे। और इसमें से आपने जो कि दो लगाने हैं वो आपको हम बता रहे हैं, ये देखें, ये दो आपने लगाने हैं, इसमें एक वायर लगानी है, इसमें दूसरी, वो तीसरा वाला जो दूर है थोड़ा, उसको आपने छोड़ देना है, उसमें आपने कुछ भी नहीं लगाना है। और उसके बाद आपको चाहिए एक धागा, जो कि आप देख सकते हैं, और एक आपको चाहिए फोम का टुकड़ा, जो हमारा फोम होता है इसका आपको छोटा सा एक पीस, जो हमारा फोम होता है इसका आपको छोटा सा पीस चाहिए। और सॉल्यूशन टेप भी थोड़ी सी आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और अपना आज का प्रोसेस माइक बनाने का। तो सबसे पहले आपने ये तार लेनी है, वो आपने सबसे पहले करना ये क्या है, उसके हैंड फ्री के उसमें से वो आपने डिवाइस निकाल लेना है। हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो हम जो तार है वो हमारी इधर पड़ी है। तो ये आपने वायर लेके इसके जो आपने तार थोड़ी स्ट्राइप करनी है, छीलनी है, और छीलने के बाद फिर आपने ये डिवाइस जो है इसका पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देना है। और आप देख सकते हैं कि रेड वायर पॉजिटिव है हमारे पास, और जो दूसरी वायर में से भी रेड पॉजिटिव है और वाइट नेगेटिव है। तो आपने रेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव में अटैच करना है और नेगेटिव को नेगेटिव में अटैच करना है, मतलब कि रेड को रेड में अटैच करना है और वाइट को आपने वाइट में अटैच करना है। तो इसको हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सोल्डरिंग आयरन से हम इसको सोल्ड कर देंगे हल्का हल्का, आराम से, तसली से आपने काम करना है, कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो आपका माइक नहीं चलेगा, कोई चीज़ खराब अगर हो गई तो। तो ये सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लिया हमने, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। अब तार के दूसरे कॉर्नर पर आपने याद रखना है कि इस कॉर्नर पर हमने रेड वाली वायर जो है वो पॉजिटिव है और वाइट वाली इसकी नेगेटिव है। तो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच किया, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो अब तार के दूसरे कॉर्नर पर हमने ये याद रखना है कि कौन सी वायर पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ये आपने अगर नेगेटिव पॉजिटिव में लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में लगा दी तो। तो अब आपने थोड़ी सी सॉल्यूशन टेप लेके थोड़ी सी लेके इसको लगा लेना है, ताकि ये तारें आपस में मिल ना जाएं, क्योंकि अगर ये मिल गई तो ये हमारा कामयाब नहीं होगा भाई। तो सीधा से आपने काट लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम काट रहे हैं सीधे से, तो इसके बाद आपने ये देख सकते हैं कि एक तार पे हमने सॉल्यूशन टेप लगा दी, ताकि दोनों जुड़े नहीं आपस में। और उसके बाद अब हम दोनों पर सॉल्यूशन टेप लगा देंगे, ताकि हमारा जो ये रफ एज नहीं आए इसमें। दोनों को हम जोड़ देंगे, ताकि हमारा टांका जो है टूटे भी नहीं, जो हमने सोल्ड किया है सोल्डरिंग आयरन से।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी वायर पे भी सॉल्यूशन टेप लगा दी और फिर इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। ये हम आपको आगे करके दिखा देते हैं थोड़ा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सोल्ड करके सॉल्यूशन टेप से इसको हमने जोड़ दिया। और अब हम तार के दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएंगे, बल्कि पहले इस काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोम का टुकड़ा लेंगे, उसी माइक वाली जगह पर जाके फोम का टुकड़ा लेंगे, और फोम का टुकड़ा जो हमने पीस लिया था वो हम इस पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। और जो आपने आपको मैं बताया था वीडियो के शुरुआत में कि हमने एक धागा लेके रखना है, तो वो धागा भी हमने लेके रखा हुआ है। तो इस जो ये हमारा डिवाइस है इस पर हम फोम का पीस लगा देंगे, ताकि जो अनवांटेड डिवाइस है, जो डिवाइस हमारे उनको नहीं चाहिए, वो उसके बीच में नहीं है। तो अब हम लगाएंगे फोम का पीस यहाँ पर, और लगाकर इसको हम धागे से बांध देंगे। धागा हम लेके इस धागे से हम इसको बांध देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमने जो फोम का पीस था वो हमने धागे से उस माइक पर बांध लिया, और बहुत ही अच्छी तरह से बांधा है हमने इसको। और अब हम एक ब्लैक टेप लेके वो इसको ऊपर हम लगा देंगे। धागे से लेकर हम नीचे तक इसको टेप को लगा देंगे। थोड़ी अच्छी तरह से लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन टेप इस पर लगा दी और हमने ब्लैक टेप चेंज करके इस पर व्हाइट टेप लगा दी, रेड टेप लगा दी सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से माइक हमारा बन चुका है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहे तो ब्लैक टेप लगा सकते हैं और बहुत प्यारा लगेगा आपका माइक। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने इसके जाना है दूसरे कॉर्नर की तरफ तार के, इसको हमने साइड पर रखना है और तार के दूसरे कॉर्नर की तरफ जाना है वायर के। और अब हमारे पास जो जैक था वो जैक हमने लेना है यहाँ से, इस जैक को हमने खोलना है, ओपन करना है। और इसमें से आपको हम बताते हैं कि किस कौन सी तार आपने कहाँ पर लगानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने याद रखना है कौन सी तार पॉजिटिव है और कौन सी वायर नेगेटिव है। तो रेड पॉजिटिव है और वाइट जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमने इस बड़े वाले पोर्शन में, सॉरी पॉजिटिव को पहले हमने जो बाहर वाला बड़ा एक पार्ट है इस पर हमने लगाना है, इस पर हमने सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्ड करना है। और ये आप देख सकते हैं कि हम इसको सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव को हमने जो छोटे वाला उसका पार्ट था जैक का, उसमें हम सोल्ड कर रहे हैं इसको। थोड़ा सोल्डर लेके इसको हम सोल्ड कर रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर रहे थे, हमने कर दिया इसको सोल्ड अच्छी तरह से, और ये दोनों ही सोल्ड हो चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर थोड़ी सॉल्यूशन टेप लगा देंगे ताकि ये मिले नहीं आपस में, इससे पहले हम जैक इसको पहना लें। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसको हमने सोल्ड कर लिया सोल्डिंग आयरन से, और हम इसको सॉल्यूशन टेप लगा देंगे यहाँ पर ताकि ये आपस में मिले नहीं, क्योंकि अगर ये मिलेंगे तो ये हमारा माइक काम नहीं करेगा, काम है अपने ही होगा। तो ये देख सकते हैं कि आप हमने सॉल्यूशन टेप इसको लगा दी, और अब हमारा जैक है, सॉरी हम दूसरे भी सॉल्यूशन टेप सॉरी लगा देंगे हम पहले। और अब हमारा जैक है, जैक का कवर वो अब हम इसको हम पहना लेंगे। ये हम इसको पहना लेंगे।
और ये आप देख सकते हैं कि ये हमने ये जैक इसको जैक का कवर इसको हमने इस पे लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। और अब हम आपको इस माइक की जो वॉइस है वो हम आपको चेक करके दिखाएंगे, तो इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। इसको हम पीसी में पहले प्लग करेंगे और अब हम आपको ये टेस्ट करके दिखा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अब मैं इस माइक में बोलने वाला हूँ जिन्होंने बनाया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हाउ इज गोइंग टू दिस चैनल की वीडियो से, तो हम एक माइक किस तरह से बना सकते हैं, तो ये आपने देख लिया है किस तरह से हम होममेड माइक बना सकते हैं और उसकी वॉल्यूम भी आप टेस्ट करके देख लिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।